अस्सलाम वालेकुम अबाबील वन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स दिस इज डे 30। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। सो द सेशन इज कमिंग टू एन एंड बट बिफोर आई से दैट द सेशन इज कमिंग टू एन एंड, आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री जो कोर्स का एक एक्स्ट्रा जो डे है वो हमारा कल होगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस एक सेशन जो है वो रिपीट हुआ था। सो फॉर दैट रीजन आपकी कल क्लास होगी। आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक वी आर गोइंग टू हैव अनदर डे। तो आज अकॉर्डिंग टू द यू नो स्टैंडर्ड हमारा डे 30 बनता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज कि हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एंड वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, मैंने काफ़ी डिटेल में इस सेशन में कवर करना है। सो अगर आपको कहीं भी कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू फॉर डिस्कशन, और अदरवाइज लेटर ऑन आप चैट बॉक्स में भी WhatsApp group में भी discuss करें। The best point about this platform is कि हमारा ये 30-day session end हो रहा है, लेकिन आपका WhatsApp group उसी तरह ही active होगा। आप किसी भी time पे questions forward कर सकते हैं related to English language। आप किसी भी time पे assignments, extra work share कर सकते हैं, जो कि मैं आपको check करके return करूँगी। So I'm available in order to check and give you feedback at any time, right? Let's see कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। डायरेक्ट स्पीच आपके डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं, या कोट्स जो हैं वो एज इट इज वर्ड्स यूज किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं राइटिंग में, तो हम उन वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स में राइट करते हैं। ये ब्रैकेट में आपको कोटेशन मार्क्स नजर आ रहे हैं, एंड देयर इज नो चेंज इन दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स में कोई चेंज नहीं आता। वी मे बी रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज बीइंग सेड नाउ, फॉर एग्जांपल अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, और टेलिंग समवन लेटर अबाउट अ प्रीवियस कन्वर्सेशन। उसमें आप या तो अभी होने वाली कोई जो कन्वर्सेशन है उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी ने पास्ट में कोई बात कही है किसी प्रीवियस कन्वर्सेशन में, उसको आप एज इट इज कोट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज अ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रिपीट करती है या कोट करती है एग्जैक्ट वर्ड्स को, और इसको आप हमेशा कोटेशन मार्क्स में राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम, She said, "What time will you be home?" And I said, "I don't know." There's a fly in my soup, screamed Simon. John said, "There's an elephant outside the window." So ये जितने words underline हुए हैं, जो कि quotation marks में हैं, I don't know को भी मैंने underline करना था, I think वो मेरे से skip हो गया। So ये जो आपको quotation marks में words नजर आ रहे हैं, ये है direct speech। ये किसी के exact words हैं जो कि repeat किए जा रहे हैं, और इन वर्ड्स को आप चेंज नहीं करते जब आप डायरेक्ट स्पीच दे रहे होते हैं, और ये हमेशा कोटेशन मार्क्स में होता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच, यूजुअली आप इसमें क्या बात करते हैं, यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट, सो वी नॉर्मली चेंज द टेंस ऑफ द वर्ड स्पोकन। पास्ट में कोई बात की गई है और उसको आप अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, एक इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं, और इसमें टेंस जो है फिर नॉर्मली चेंज हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कौन से टेंस में वर्ड्स किस टेंस में जाके चेंज होंगे, मतलब टेंस चेंज कैसे होगा, वो अभी आपको मैं बता दूंगी। वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक से, टेल, आस्क, एंड वी मे यूज द वर्ड्स दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में हमने से, टेल या आस्क यूज करना होता है, और जब वो आप कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इनवर्टेड कॉमास आप इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं यूज करते। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई सॉ हिम, ये डायरेक्ट है, इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। शी सेड दैट शी हैड सीन हिम, इनडायरेक्ट स्पीच। दैट में भी ओमिटेड, दैट को आप ओमिट भी कर सकते हैं, दैट के बगैर भी आप इनडायरेक्ट स्पीच दे सकते हैं। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, और शी टोल्ड हिम शी वॉज हैप्पी। ठीक है, इस तरह आप इसको इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं।
अच्छा ये एक वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। मैं इसमें ऑडियो जो है वो, अच्छा ऑडियो मैंने प्ले की लिया। प्लीज लेट मी नो कि जो वॉल्यूम है वो क्लियर है। ये बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ एक्सप्लेन किया और वही मैं फर्दर आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। प्लीज लेट मी नो कि आपको आवाज आ रही है। When we report someone's words. Video की आवाज आ रही है, video is clear. Indirect speech में third form of verb use होगा। Indirect speech में कोई भी verb की form use हो सकती है, depending on the tense. आप tense के accordingly आपने verb use करना है। Third form of verb तो आपका active से जब आप passive में convert करते हैं। Thank you, Mr. Sheikh. So the volume is clear. Thank you. I'll just play it. Mr. Ahmed, आप third form of verb, ये तो rule आपका active और passive में use होता है कि active sentence जब passive में convert हुआ है तो उसमें आपने हमेशा third form of verb use करनी होती है। Direct and indirect speech में verb की कोई चीज नहीं होती specific कि आपने verb जो है वो हमेशा third use करना है। वो tense पे depend करता है, tense के according ही आपने verb use करना होता है। अभी आप examples देखते जाए। We can do it in two ways, direct speech and reported or indirect speech. An example of direct speech is, Diane said, I am happy today. To write the same sentence in reported speech, we would say, Diane said that she was happy that day. Notice that there is a difference in direct and reported speech. When we change direct speech to reported speech, we must often change the tense. For example, she said, I am tired. This is direct speech. She said that she was tired. This is reported speech. If we use the present tense in direct speech, we use the past tense in reported speech. Another example, he said, I have seen snow. This is direct speech. In reported speech, we say, he said that he had seen snow. Notice the present perfect changes to the past perfect. The children said, we are listening. This is direct speech. The children said that they were listening. This is reported speech. Notice the present continuous changes to the past continuous. Let's look at a real example. The son says to his father, I fell down the stairs. The father reports to his wife, he said that he had fallen down the stairs. The past tense in direct speech changes to the past perfect or stays in the simple past in reported speech. Also notice how the pronoun changes. Another example, Katie tells her friend, I have a secret. I really like Thomas. Her friend then tells Thomas, Hi Thomas, Katie told me that she liked you. Here, the present tense verb like changes to the past tense liked. Here's another. The teacher says, don't chew gum in school. The boy tells his dad, my teacher told me not to chew gum in school. Here, the word don't changes to not to. When changing direct speech to reported speech, we often need to change the time. For example, tomorrow becomes the next day. Next week becomes the following week. Yesterday becomes the day before or the previous day. Last week becomes the week before.
or the previous week. For example, the boy says to the girl, "I will call you tomorrow." The girl tells her friend, "He said that he would call me the next day, but he didn't call." Notice will changes to would, and tomorrow changes to the next day. How can we ask questions in reported speech? First, let's talk about yes or no questions. For example, can you help me carry my groceries? To change this to reported speech, we must use the word if. He asked if I could help him. Notice the word can changes to could. Okay, now let's try something that's not a yes or no question. For example, what is your name? In reported speech, we would say, she asked what my name was. We don't need to switch the subject and the verb, and we don't need the word if. And one last piece of information. It isn't always necessary to change the tense if something is still true now. For example, direct speech. Diane said, "I am a teacher." Reported speech. Diane said that she is a teacher. We don't need to change the tense because this is still true now. Well, I hope that it was helpful. I will share the WhatsApp group with you video, and you can watch it as many times as you like. Actually, say and tell. Use say when there is no indirect object. He said that he was tired. जब आपका कोई indirect object मतलब object sentence में नहीं होता तो फिर आप जो है वो say use करते हैं. He said that he was tired. Always use tell when you say who was being spoken to. आपके sentence में अगर indirect object होगा, he told me. Told जब आता है तब हमेशा आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में. जब आप से या सेड यूज करते हैं, he says enough is enough. ये एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ. He says to me कहने की जरूरत नहीं है. या he said that he was tired. He says that he is tired. But when you say he told, then told के साथ आपका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. He tells me or he told me that he was tired. I hope you point up a clear up. Talk and speak. Use these verbs to describe the action of communicating. Communication के बारे में आप जब communication show कर रहे होते हैं तो फिर आप talk या speak. Of course ये आपकी communication show करें. He talked to us. She was speaking on the telephone. Use these words with about to refer to what was said. अगर आपने उसको indirect में use करना है, he talked to us about his parents. To us optional है यहाँ पे. So about use करते हैं talk के साथ और he spoke about his parents, he talked about his parents. So about जो preposition है वो इनके साथ आती है. ये आपकी information के लिए. Direct speech, the message of the speaker is conveyed or reported in his own actual words without any change. ये वही बात हो गई कि आपने exact speaker के words बताने हैं या फिर report करने हैं कोई change किए बगैर. Indirect speech जो है message of the speaker is conveyed or reported in our own words. किसी के words में अपने word, किसी की direct speech है मतलब किसी ने कुछ कहा है उनको मैं अपने words में बता रही हूँ वो indirect speech है. अच्छा जी अब rules आ गए हैं इसके changes क्या क्या आती हैं जब आप direct से indirect में जाते हैं. Convert from direct to indirect speech. Direct, Jenna said I'm very busy now. Indirect, Jenna said that she was very busy then. Now say then में convert हो गया. अभी आपको मैं list दे दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये word जब direct में now है तो वो indirect में then हुआ. इसी तरह सारे words हैं जो change होते हैं वो कैसे होंगे. All inverted commas, सारे जो inverted commas या quotation marks होते हैं वो omit हो जाते हैं और sentence का end जो है वो full stop से होता है.
कंजंक्शन दैट जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाती है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से पहले. प्रोनाउन आई जो है वो शी में चेंज हो गया है इस एग्जाम्पल में. वर्ब एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि आपने प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट किया है. अभी हम टेंसेज भी देखेंगे जो चेंज हो गए. एडवर्ब नाउ इज चेंज्ड टू देन. तो ये जनरल इसके रूल्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं व्हेन यू आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. बहुत ज्यादा सारे रूल्स हैं, लेट्स बी पेशेंट और इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. कन्वर्जन रूल्स एज पर द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका वर्ब है, जब हम टेंसेस कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे थे अगर आपका टेंस चेंज होगा, इनडेफिनेट टेंस आपने किया, फिर आपने कंटिन्यूअस टेंस किया, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया, फिर परफेक्ट टेंस किया. टेंस को रिकग्नाइज किस वर्ड से करते हैं? वर्ब से. वर्ब आपको बताता है कि टेंस कौन सा है. इसी तरह जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होंगे वो आपका वर्ब सारे काम करेगा. वर्ब रोल प्ले कर रहा है. वो जहां जहां चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके टेंसेस चेंज होते जाएंगे. उसी के अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो चेंज होती जाएगी. सो व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन पास्ट टेंस सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट में है अगर, so all present tenses of the direct are changed into corresponding past tenses. said जो है अगर वहां, अगर इसमें आपकी reporting में said लिखा हुआ है और वो past है, of course said past है, उसके accordingly आपकी जब indirect speech बनेगी तो सारे जो sentences हैं वो past tense में convert हो जाएंगे. I hope meaning समझ आ रहा है. He said I am unwell. He said that he was unwell. said ने जो है अपना said main जो काम है ना वो सेट कर रहा है, उसकी बेस पे आपका टेंस चेंज हो गया. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज. प्रेजेंट में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेज या विल से फ्यूचर टेंस में, तो आपकी जो द टेंस जो डायरेक्ट स्पीच है उसका टेंस वही रहता है. ही सेज आई एम अनवेल और ही विल से ही इज अनवेल. The tense in indirect speech is not changed if the words within the quotation mark कोई universal truth बता रहे हैं या कोई habitual action बताया जा रहा है तो आपके words change नहीं होते. They said we cannot live without water. They said that we cannot live without water. I hope कि आपको ये बात समझ आ गई क्योंकि ये एक universal truth है. Next is conversion rules of present tense in direct speech. सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. शी सेड दैट शी वाज हैप्पी. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है. ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक. परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है. शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज फूड. शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज फूड. प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. आई हैव बीन टू गुजरात. He told me that he had been to Gujarat. So ये दो examples आ गई आपके सामने. Present perfect को past perfect में change किया. Conversion rules of past and future tense. ये अभी इसी session में कुछ जो है आपको याद नहीं रहेगा, ये बाद में आप practice करेंगे जहां जहां आपने ये rules apply करने होंगे. Now all this session is in detail ready in front of you. इसको आप practice करें, examples देखें और use कर सकते. सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. जो आपका सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. ही सेड नीना अराइव्ड ऑन मंडे. ही सेड दैट नीना हैड अराइव्ड ऑन मंडे. पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. पास्ट कंटीन्यूअस ने आगे किस में जाके चेंज होना है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा. वी वर लिविंग इन गोवा. दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन गोवा. Future changes to present conditional. आपका जो simple future tense है वो conditional में convert हो जाता है. Conditional में would आता है, इसलिए हम इसको conditional कहते हैं. He said I would be in Kolkata tomorrow. He said that he would be in Kolkata the next day. Future continuous changes into conditional continuous. She said I'll be using the car next Friday. She said that she would be using. That is why it is continuous. The car next Friday. So ये continuous है,
वर्ब की वजह से और कंडीशनल है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा वर्ड यूज होता है. एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें विल भी यूज होता है और आई थिंक मैंने आपको कंडीशनल्स नहीं कराए, कल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करवा दूँ. टिप नेक्स्ट इज चेंजेस इन मॉडल्स. मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं? कैन जो है वो कुड में चेंज होता है, मे जो है वो माइट में चेंज होता है, और मस्ट जो है वो चेंज हो जाता है हैड टू या वुड हैव टू. I must work hard. He said that he had to work hard. Or meaning accordingly, he said that he would have to work hard. Models do not change. जो ये models हैं आपके, इनमें कोई changes नहीं आती. Would, could, might, should or ought to. क्योंकि इनकी आगे कोई form है ही नहीं जिसमें ये change हो. He said I should face the challenge. He said that he should face the challenge. So आप just go through these examples and if you have any confusion, you can ask. इंट्रोगेटिव को आप कैसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड और सेड टू चेंजेस टू आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड. ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग. सो क्वेश्चन है इसलिए आप सेड टू मी को चेंज करके आस्क में कर देंगे और आस्क इटसेल्फ शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इफ सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब द जॉइनिंग क्लॉज शुड बी इफ और बेटर. Will you come for the meeting? क्योंकि ये एक auxiliary verb से आपका sentence शुरू हो रहा है. जितने भी आपके direct speech में, quotation में word sentences जो हैं, वो direct speech जब भी आपकी auxiliary से start होगी, उसको या तो आप if में convert कर देंगे या फिर whether में. He asked them whether they would come for the meeting. If the sentence begins with WH questions, then no conjunction is used. As the question word itself acts as joining. आपका जब question use हो रहा है, question word, WH word, वो itself their indirect speech में जाके connecting word बन जाएगा. फिर आपको that use करने की या कोई joining clause use करने की ज़रूरत नहीं है. Where do you live? Asked the girl. The girl inquired where I lived. So meaning जो है यहाँ पे वो show हो रहा है कि तब question word है, आप उसी ने आपका जो connect कर दिया पूरे सेंटेंस. कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन या फिर विश. कमांड एंड रिक्वेस्ट इंट्रोड्यूस. अच्छी इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ड्स लाइक ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड. फॉरबिड या फॉरबेड इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव मोड इज चेंज्ड इनटू इंफिनिटिव. इंपेरेटिव होता है ऑर्डर, ठीक है, तो वो इंफिनिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. और आप ये वर्ड्स यूज करते हैं ordered, requested, advised या suggested, command या request के लिए. Rafiq said to him, go away. Rafiq ordered Ahmed to go away. He said to her, please wait. He requested her to wait. Exclamations या wishes आ जाती हैं. क्या होता है exclamation? Grief, sorrow, happiness या applaud जब express हो रहा होता है words से. Emotions show हो रहे होते हैं तब आप exclamations use करते हैं. Exclamation sentence changes into assertive sentence and interjections are removed. He said, alas, I am undone. He exclaimed sadly that he was broke. Alas jo hai wo sadness ya grief ko show kar raha hai, theek hai. Undone ka matlab hai ki main toot chuka hu, I am broken. So is tarah aapne isko jo hai wo convert kar dena. Change of pronouns. Pronouns में changes कैसे आती हैं? First person reported speech में change हो जाता है according to the reporting speech. She said, I am in 9th class. She says that she was in 9th class. She के accordingly आपका जो she, I है वो she में convert हो गया reporting speech के according. ठीक है? The second person of reported speech changes according to the object of reporting speech. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेन में जो है ना वो सूप तैयार हो रहा है. He says to them, you have completed your job. He tells them that they have completed their job. So says जो है वो says to them के accordingly आपने जो है convert कर दिया है इसको indirect speech में जो आपका verb है. He tells them that they have completed their job. Third person of the reported speech doesn't change. Third person will always remain in third person. हम basically अगर आप previous examples देखें तो first person को आपने third में ही convert किया है. So third person will remain as third. He says she is in 9th, 10th class. He says that she is in 10th class.
आपका प्रोनाउन. अच्छा जी, ये वो चेंजेस हैं जो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग भी आपने, चाहे अगर या तो नियरनेस शो हो रही है या डिस्टेंस शो हो रहा है, दूर है या करीब है, उसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट करते हैं. नाउ इनटू देन, हेयर देयर, अगो, बिफोर, ये सब चेंजेस हैं. दस जो है वो सो में चेंज हो रहा है, टुडे दैट डे में, द नेक्स्ट डे दैट, द डे बिफोर दोज, हिदर इनटू दिदर, कम इनटू गो, हेंस इनटू देंस, और नेक्स्ट मंथ या मंथ, फॉलोइंग वीक या मंथ. इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको यूज करना आ जाएंगे. She said my father came yesterday. She said that her father had come the day before. She says or she will say my father came yesterday. Ab indirect mein she says ya will say that her father had come yesterday. Here the reporting verb says is in the present tense or will say is in the future tense. Hence the time expression yesterday will not change. हमने पहले बात की थी कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर होता है तो उसमें जाके इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं आती. अगर वो प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट ही रहेगी. इस तरह यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर की वजह से यस्टरडे विल रिमेन यस्टरडे. पंक्चुएशन मार्क्स. द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन शुड बी एनक्लोज्ड इन कोट्स एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जब आप डायरेक्ट स्पीच राइट करें उनको कोट्स में राइट करें, कोटेशन मार्क्स यूज करें, स्पीच मार्क्स जिनको हम कहते हैं, और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें. यू का वाई जो है वो कैपिटल होना चाहिए. कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मस्ट बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिपोर्टेड सेंटेंस एंड आर प्लेस्ड इनसाइड द क्लोजिंग इनवर्टेड कॉमा और कॉमास. आपकी डायरेक्ट स्पीच में जो भी कोटेशन, जो भी आपका पंक्चुएशन मार्क है वो कोटेशन के अंदर आएगा. If direct speech comes after the information about who is speaking, comma is used to introduce the speech, piece of speech placed before the first inverted comma. Jo direct speech hai, agar wo information ke baad aa rahi hai, is information ke baad, she shouted ke kaun bol raha hai, theek hai, jo bol raha hai wo pehle aa raha hai aur uske baad jo hai wo uske words aa rahe hain, to aap usko comma se separate kare. She shouted, यहाँ पे पता चल रहा है who is speaking, comma और फिर उसकी direct speech. So it has to be separated with a comma. Thinking back, comma, she said, comma, he didn't expect to win. Comma जो है वो आपको separate करता है जब two reported speech आ रहे होते हैं और second part जो होता है sentence का उसमें आप direct quotes में first जो word है उसको capitalize नहीं करते. Conversion of indirect into direct speech. अगर आपने, अभी हम direct से indirect में कर रहे थे, अगर आपने indirect से direct में करना है तो फिर आप क्या करेंगे? Use the reporting verb say or said to in its correct tense. Remove the conjunction that, to, if or whether, where, wherever necessary. Insert quotation marks, question marks, exclamation mark, जो के mood है sentence का उसके accordingly. Statement से पहले comma आएगा. फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस कैपिटल होगा. पास्ट टेंस प्रेजेंट में चला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली. इफ इट इज इन द पास्ट टेंस, कन्वर्ट द पास्ट परफेक्ट इनटू सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एज फाउंड नेसेसरी. जो कि रूल्स मैंने आपको बताए हैं, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करें तो जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उनको हमें ऑपोजिट कर देना है नेचुरली बैकवर्ड्स डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए. ही आस्क्ड वेदर ही इज कमिंग, सो ही सेड टू हिम आर यू कमिंग. ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ होगा. सो ये एक, अच्छा जी, ये जो है ना एक एक्चुअली मोटिवेशनल वीडियो है जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ. और वुड यू लाइक टू वॉच इट टुडे और यू वुड लाइक टू वॉच इट टुमारो, बिकॉज टुमारो इट इज योर लास्ट डे. व्हाट डू यू थिंक? हमारे पास अभी 9 मिनट्स हैं और ये वीडियो जो है I think it is a bit lengthy. ये वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए कल जो है मैं ये आपके सेशन में ऐड कर दूंगी. टुमारो यू हैव योर लास्ट डे, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है. कल इंशाल्लाह, दिस इज योर लास्ट डे, सो दिस इज योर बोनस लेक्चर. व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाह रहे हैं कि मैं कवर करूँ, मैं कल आपको
पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कुछ बताऊंगी. इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो, यू कैन टेल मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल ऐड इट. एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव सम मोटिवेशनल, यू नो, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वीडियोस एज वेल. सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, एंड आई होप दैट दिस 30-day सेशन हैज हेल्प्ड यू अ लॉट इन इंप्रूविंग योर लैंग्वेज. कहीं पे मेरे एंड से कोई मिस्टेक हुई है आप ओपनली मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए जो है आगे अपकमिंग, क्योंकि वी विल स्टे इन कॉन्टेक्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आई विल प्रोवाइड यू रेलेवेंट डिटेल्स, आई विल प्रोवाइड यू आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, एंड इंशाल्लाह वी विल स्टे कनेक्टेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो टेक केयर एंड टुमारो वी विल मीट. अल्लाह हाफिज़.